Hello दोस्तों, please subscribe to our channel Zain Game. और आज मैं आपको बताऊंगा शिन चैन के बारे में. शिन चैन कार्टून आप में से कई लोगों का मनपसंद कार्टून रहा होगा. ये कार्टून जितना मजेदार था, इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही दुख भरी है. ये कहानी है शिन चैन और उसके परिवार की, जो जापान में रहने वाला एक खुशहाल परिवार था. उसके परिवार में उसके पिता हिरोशी, माँ मिसाई, शिन चैन और उसकी छोटी बहन हिमावारी थी, और उनके पास एक प्यारा सा कुत्ता भी था जिसका नाम था शीरो. शिन चैन असल जिंदगी में भी उतना ही शरारती था जितना उसे कार्टून में दिखाया जाता है. एक दिन मिसाई अपने दोनों बच्चों शिन चैन और हिमावारी के साथ शॉपिंग के लिए गई. मिसाई अपनी शॉपिंग में व्यस्त थी, तभी अचानक शिन चैन ने देखा कि उसकी छोटी बहन हिमावारी अकेले ही सड़क को पार करने की कोशिश कर रही थी, और उस सड़क पर गाड़ियां बड़ी तेजी से आ रही थी. तभी शिन चैन अपनी बहन की मदद करने के लिए उसकी ओर भागा, और उसी समय एक तेज रफ्तार गाड़ी ने आकर उन दोनों बच्चों को टक्कर मार दी, जिसमें उन दोनों की मौत हो गई. अपने दोनों बच्चों को खोने के बाद मिसाई पूरी तरह से टूट गई, और वो खुद को अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार मानने लगी. और अपने बच्चों की याद में मिसाई हर रोज एक बुक में अपने बच्चों की तस्वीरें बनाया करती थी और उनकी शरारतों के बारे में लिखा करती थी. यही कारण था जब कार्टून क्रिएटर योशिता उसुई ने उस बुक को पढ़ा तो इससे वो बहुत प्रेरित हुए, और उन्होंने शिन चैन की जिंदगी पर कार्टून बनाया जिसका नाम रखा गया क्रेयॉन शिन चैन. बच्चों में शिन चैन की फैन फॉलोइंग को देखते हुए शिन चैन के आखिरी एपिसोड को कभी भी टीवी पर टेलीकास्ट नहीं किया गया, क्योंकि उसके आखिरी एपिसोड में इसी घटना को दिखाया गया था, और इससे बच्चों पर बुरा असर ना पड़े इसीलिए इस एपिसोड को कभी भी टीवी पर टेलीकास्ट नहीं किया गया. तो दोस्तों, ये थी शिन चैन कार्टून के बनने की कहानी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. ज़ैन गेमर, थैंक यू.